बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है, वेलकम टू टेक ट्यूनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम किस तरह से एड मॉब की एप्लीकेशंस बना के, यानी कि अपने खुद की एप्लीकेशन बना के, किस तरह उन पे हम गूगल के एड्स लगाते हैं और किस तरह उससे अर्निंग होती है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है टेक ट्यूनल, इसको आप यहाँ रेड बटन के पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए लाइक जीमेल, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले अब मैं एड मॉब का एक अकाउंट बनाऊँगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एड मॉब और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने पहली पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है, क्योंकि मैंने मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ से साइन इन कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं साइन इन करता हूँ और ये अभी ओपन हो जाएगा। इसके बाद एड मॉब के आपको पहले मैं यानी कि एक एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में अपने ये एड्स लगा सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ से ऐप्स में जाऊँगा, मेरी क्योंकि एक एप्लीकेशन बनी हुई है, मैं आपको न्यू बनानी सिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऐड ऐप में आप क्लिक करेंगे और यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपने गूगल प्ले पे बनानी है या ऐप स्टोर पे, कि पहले आपकी कोई ऐप इस तरह की बनी हुई है। मैंने कहा नहीं, मेरी नहीं बनी हुई, नो। और यहाँ पे आपने न्यू ऐप का नेम लिखना है, कुछ भी नेम लिख दें, जैसे मैं लिखता हूँ टेक ट्यूनल। और यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन बन गई है। इसके बाद वो कहते हैं कि अभी आपने ऐड करिए यूनिट क्रिएट करनी है, तो न्यू क्रिएट ऐड पे करना है। यहाँ से आपने बैनर, इंडस्ट्रियल और रिवार्ड, ये तीनों आपने सेलेक्ट करने हैं। तो पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपने एग्जांपल नेम को ही दे देना है। यहाँ पे मैं इसका नाम बैनर ही लिख देता हूँ, बैनर, और यहाँ से क्रिएट ऐड यूनिट। इसके बाद आपने नेक्स्ट तीनों का भी इसी तरह ही करना है। ये देखें, क्रिएट अनदर कर दें, यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ से इसका नाम क्या था, इंटरशियली मैं लिख देता हूँ, और क्रिएट ऐड यूनिट, कोई भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, मैंने वैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट ऐड, और यहाँ से आपने रिवार्ड पे, रिवार्ड का वैसे बेसिकली हम इतना यूज़ करते नहीं है, लेकिन फिर भी आप बना लें, रिवार्ड का बना लेना। जब इसके बाद ये सब आप बना लेंगे तो क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करें और यहाँ से डन कर दें, तो ये आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पे ये आपके सब तीनों के तीनों आपके यहाँ से आईडीज आ गई हैं, यहाँ से आप ऐप आईडी अपनी कॉपी भी कर सकते हैं इसी तरह। अब इसके बाद अब हमने अपनी एप्लीकेशन की तरफ आना है कि आप एप्लीकेशन किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है थंग केबल। मेरा इस पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यहाँ से आपने इसका अकाउंट बना लेना है। थंग केबल पर जाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप पे, और यहाँ से फर्स्टली आपको यहाँ से ये देखें, यहाँ से आपको साइन इन करना पड़ेगा। मैं जैसे ही साइन इन पे क्लिक करूँगा तो एंड्रॉयड, एंड यहाँ से साइन इन विद गूगल, और ये ऑटोमेटिकली साइन इन कर देगा, लेकिन आपने अपने ई मेल एड्रेस से साइन इन कर लेना है। ये देखें, मेरी आप ऑलरेडी बनी है। इसके बाद आपको मैं लिंक दे दूँगा अपने यूट्यूब की वीडियोज़ के नीचे, लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आपने AIA फाइल डाउनलोड करनी है जो कि इसकी है। तो AIA आप फाइल किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, वो जस्ट एक आप क्लिक करेंगे उस पर और वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऐप्स में जाना है और यहाँ से क्रिएट न्यू ऐप पे करना है। अगर आप ना भी करें तो आपने यहाँ से ऐप्स पे जाके अपलोड डॉट AIA फ्रॉम माई कंप्यूटर यहाँ से करना है, चूज़ फाइल करनी है, और यहाँ से आपने AIA फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी यहाँ पे पड़ी है इस नेम से, AIA फाइल ओपन कर ली मैंने, ये भी ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, वो कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ओके मैं कर रहा हूँ, तो ये भी हमारी ये फाइल ओपन कर देंगे। मेरी असल में ये फाइल पड़ी है वही, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये ओपन कर चुका था, ये कुछ देर लगाएगी ओपन होने में इसके लिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप इसमें मुख्तलिफ रोज़ाना मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इसको देखते रहें और आई थिंक अपलोड हो गई। ये देखें, ये एप्लीकेशन आ गई है यहाँ पे। आपने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने ये जो एड यहाँ पे एड्स हैं इस पर क्लिक करना है, एड मॉब बैनर वन, देख लें बैनर का नाम है, तो आप यहाँ से अपने एड मॉब के अकाउंट में जाएँ और यहाँ से बैनर वाला आपने एड यहाँ से क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर आके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना इसी तरह से। इस तरह से आपने बैनर टू, बैनर थ्री,
इस बाद इंटरसेल का भी आपने ऐसे करना है, यहाँ से आपने ऐड मोड में आना है और यहाँ से ये सेकंड वाला इंटरसेल कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे इन सब पे एक एक करके इन सब पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप ये पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपने इसको और कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एक काम करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएँ और यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन ऐप सेव डॉट ए पी के टू माई कंप्यूटर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ देर लोडिंग करेगा और उसके बाद ये हमारा हमारी ऐप हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। और ये आप अपने मोबाइल में डाटा केबल से या किसी भी तरह से कॉपी कर सकते हैं या ब्लूटूथ से सेंड कर सकते हैं। इस तरह सेंड करके आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Yeah.